नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेशिका पटेल। आइए आपको लेकर चलते हैं नरसिंहपुर जिले के ग्राम डोभी, जहां से हमारे साथ संवाददाता हरीश दुबे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर लोग खेती पर अधिक निर्भर हैं, परंतु आज किसान खेती करने से डरने लगा है। उत्पादन का उचित मूल्य न मिलना, प्राकृतिक आपदा, असामान्य मौसम जैसे अनेक कारणों से किसान परेशान है। विश्वविद्यालय द्वारा दिव्य किसान सेवा रथ के आगमन पर बहन कुसुम दीदी ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा, ऐसे रासायनिक खादों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए शाश्वत यौगिक जैविक खेती, इनमें किसान अपनी शुद्ध फसल तैयार कर सकता है जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। उन्होंने आगे बताया कि दिव्य किसान रथ प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में एक माह तक भ्रमण करेगा, जिसका उद्देश्य किसानों को व्यसनों से मुक्त कराना, खेती की लागत कम करने के उपाय बताना है। इसके पूर्व दिव्य किसान रथ का डोभी में बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया। हाई स्कूल से मंगल भवन तक विशाल रैली निकाली गई। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा डोभी की बहनों द्वारा जैविक खेती पर आधारित लघु नाटक प्रस्तुत भी किया गया। देश